ए दोस्तों, यूएस ने हुआवे को कंपनीज में ब्लैकलिस्ट कर दिया, यानी कि कोई भी यूएस कंपनी अब हुआवे के साथ डील नहीं कर पाएगी। क्या असर पड़ेगा इसका हुआवे के ऊपर और स्मार्टफोन बिजनेस पर, उनकर आइए जानते हैं। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल, और आप देख रहे हैं अल्फा ब्लैक। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो हुआवे को यूएस ने बैन कर दिया है कल ट्रम्प के ऐलान के बाद। जी हाँ दोस्तों, हुआवे कंपनी अब यूएस में बैन हो चुकी है। जी, वो किसी भी यूएस कंपनी के साथ कोई डील या उसकी सर्विसेज नहीं एक्वायर कर सकती। तो अब इससे हुआवे पे क्या असर पड़ेगा दोस्तों? तो हुआवे अब जब भी कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च करेगी, उसमें वो एंड्रॉयड एज ए ओपन सोर्स, जो कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, उसको तो दे पाएगी, लेकिन उसकी जो गूगल की सर्विसेज है, यानी कि प्ले स्टोर, जीमेल, यूट्यूब, जितने भी गूगल ऐप्स हैं, वो अब आपको फ़ोन में नहीं नहीं मिलेंगे। हुआवे की किसी भी नए फ़ोन में उनकी सर्विसेज आपको नहीं मिलेंगी। तो बट गुड एंड्रॉयड स्मार्टफोन वुड बी विदाउट प्ले स्टोर। तो बिना प्ले स्टोर के एंड्रॉयड फ़ोन पे अब क्या करेंगे? क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन जाना जाता है प्ले स्टोर की वजह से, जिसपे थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ एप्स हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो हुई बात नए आने वाले हुआवे स्मार्टफोन यूज़र्स की, पर करंट स्मार्टफोन यूज़र जो कि हुआवे और ऑनर के करंट स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं इंडिया में या फिर और देशों में, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका? उनके लिए दोस्तों एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर। अच्छी खबर ये कि आप लोग उस पे प्ले स्टोर और गूगल की जितनी भी सर्विसेज आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है, आप उन सबको इस्तेमाल कर पाएंगे। जी हाँ, अगर आपके फ़ोन में किसी भी ऐप की नई अपडेट आती है, वेदर इट विल बी जीमेल, यूट्यूब या फिर कोई और ऐप, जिसकी भी अपडेट आती है, तो आपको वो अपडेट मिलेगी उस ऐप की और प्ले स्टोर पे, और आप प्ले स्टोर को कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि अब आपको गूगल के कोई भी नए सिक्योरिटी अपडेट्स या फिर ओएस अपडेट्स नहीं मिलेंगे, तो आपका फ़ोन अभी जैसा भी है इन फ्यूचर वैसा ही रहेगा। मुझे पता है बीइंग ए हुआवे स्मार्टफोन यूज़र की काफ़ी बुरा लग रहा होगा ये न्यूज़ सुन के, क्योंकि एंड्रॉयड क्यू अपडेट आपको अब नहीं मिलेगा उस फ़ोन में, जो कि बहुत ही बुरी खबर। पर हुआवे साथ ही साथ काम कर रही है एक नए ओएस पे, जो कि आने वाले कुछ दिनों में या महीनों में लॉन्च कर सकती है। तो एक या दो महीने में शायद हमें हुआवे का कोई नया ओएस देखने को मिल सकता है, जो कि एंड्रॉयड बेस्ड होगा। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप भी अगर अपनी दीवारों को इस सीलन और इन ख़राब होने से बचाना चाहते हैं, तो प्लीज़ यूज़ कीजिए एशियन पेंट्स, हमारे वीडियो के स्पॉन्सर। थैंक यू। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।